बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फर्स्ट स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 12, न्यूट्रिशन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट। अजी तुलबा, 12वें चैप्टर का हम आगाज करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पर। तो अगर देखा जाए तो प्लांट्स में हम कहते हैं दो तरह से न्यूट्रिशन का मेथड चलता है। एक जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक वे एंड सेकेंड वन इज द हेटरोट्रॉफिक मेथड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच द प्लांट्स आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस के जरिए से प्लांट्स क्या कर लेते हैं, अपनी फूड खुद फिर रिपेयर करते हैं। और हेटरोट्रॉफिक में हम कहते हैं नो फोटोसिंथेसिस, और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अलावा अदर मेथड्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हेटरोट्रॉफिक मोड है उसमें जो डिफरेंट मेथड्स है, अदर मेथड्स है, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो वे है इसे हम कहते हैं इट इज द सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम कहते हैं इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अकर्स बाय एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। यानी हम ये देखते हैं कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स खासतौर पर जैसे फंजाई हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स पैदा करते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स बॉडी से बाहर ही डाइजेशन का रोल प्ले करते हैं, और इस तरह से डाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और इस तरह से डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं फंजाई इस मेथड के जरिए से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। और इस मेथड जो है वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो बेनिफिट है हम देखते हैं, ये हेल्पफुल है न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग में। यानी के जो डेड बॉडीज एनिमल्स और प्लांट्स की हैं आफ्टर द डिकम्पोजिशन और ब्रेकडाउन बाय द सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, वो ही न्यूट्रिएंट्स जो एनिमल्स और प्लांट की बॉडीज में थे वो सॉइल में, मट्टी में शामिल हो जाते हैं, जमीन की जरखेजी इस तरह से बढ़ती है। तो ये पहला मेथड हुआ। और इसी ही तरह से नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर हम देखते हैं कि दीज आर द प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल डूडर कस्कूटा एंड इट्स उर्दू नेम इज द आकाश बेल और अंबर बेल। हम देखते हैं कि प्लांट्स के ऊपर ब्रांचेस पर ही ये ग्रो करती है, और इस तरह से उन प्लांट्स की बॉडी के अंदर खास तरह के पेनिट्रेटिंग ऑर्गन्स पैदा करती है। दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय पेनिट्रेटिंग ऑर्गन्स लाइक हस्टोरिया एंड राइजोइड्स। दिस हस्टोरिया एंड राइजोइड्स पेनिट्रेट्स द जाइलम और फ्लोएम बंडल। दिस हस्टोरिया आर द राइजोइड्स पेनिट्रेट्स द जाइलम और द फ्लोएम बंडल्स ऑफ द
plants. So in this way, these are the organisms that obtain nutrition by inserting their penetrating organs into the xylem under or the vascular bundles of the plants, thus obtaining the nutrition of the plant. तो इस तरह से हम देखते हैं डोडर कस्कुटा पैरासिटिक प्लांट्स में आ जाते हैं. और इसी ही तरह से थर्ड मेथड जो है इसको हम नाम देते हैं, इट इज द सिंबायोटिक मेथड. इज अ मेथड इन विच टू डिफरेंट प्लांट्स लिव टुगेदर, जिसमें हम ये देखते हैं टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर. दिस इज द सिंबायोटिक रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन इज द lichens. Lichen is the association between fungus and algae. Algae is the photoautotroph while fungus is the heterotroph. Or in this relation, algae provide glucose, the product of photosynthesis, while fungus provide water and mineral. Fungus is responsible for absorption of water plus minerals from the soil. So this type of the association in which the two different organisms belonging from the two different species live together, this is the symbiotic relationship, and both of these organisms are working for their mutual benefits, so it is also called the mutualism. And the second example is mycorrhiza. In mycorrhiza, fungus makes an association with the roots of vascular plants. When the fungus makes association with roots of vascular plants, this is called the mycorrhizal association. Myco mean fungus, rhiza mean roots, mean the fungus and the roots of vascular plants. And these vascular plants provide glucose to the fungus, and in return fungus provide water and minerals to these plants. यानी कि अगर हम देखें, माइकोराइजा एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें फंगस प्लांट्स के साथ मिलकर रहता है. प्लांट पौधा जो है वो फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज पैदा करता है फंगस को प्रोवाइड कर देता है, और फंगस इन रिटर्न वाटर और मिनरल को सोयल में से एब्जॉर्ब करके प्लांट को सप्लाई करता है जहां तक प्लांट्स की रूट्स पेनिट्रेट करके नहीं जा सकती थी. और इसी ही तरह से सिंबायोटिक रिलेशन में जो थर्ड एग्जाम्पल है इसको हम कहते हैं, इट इज द रूट नोड्यूल और नोड्यूलेशन. रूट नोड्यूल्स हम देखते हैं स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया है. फॉर एग्जाम्पल, राइजोबियम इज द बैक्टीरिया दैट लिव इन द लेग्यूमिनस रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, एंड दीज लेग्यूमिनस प्लांट्स प्रोवाइड food and shelter, means the glucose plus shelter to these bacteria, and in return these bacteria provide nitrite and nitrate to these plants. Example of this bacteria is rhizobium that lives in the roots of the leguminous plants. यानी हम देखते हैं कि root nodules जितनी भी फली वाले पौधे leguminous plants हैं, इन plants की roots के अंदर उभार बना के रहते हैं, फोड़े फिंसियों जैसे root nodules बन जाते हैं जिनमें ये खास तरह के bacteria रहते हैं. ये bacteria
नाइट्रेट पैदा करके प्लांट्स को दे देते हैं, और बदले में प्लांट्स इन बैक्टीरिया को रहने के लिए अपनी रूट्स में जगह भी देता है, शेल्टर भी देता है और फूड भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम कहते हैं ये एसोसिएशन कहलाता है, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन आर द रिलेशन। तो इसी तरह से फोर्थ मेथड जो है जिसको हम कहते हैं, इसके बाद के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, द फोर्थ हेटरोट्रॉफिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हम इनको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दीज आर दोज प्लांट्स दैट ऑब्टेन फूड एंड एनर्जी by digestion of insects with the help of special types of the bacteria or the enzymes in these plants. These plants are able to capture the insects and digest, and then they can absorb the digested products of the dead bodies of the or digested bodies of the insect. So ye four major methods hain plants mein heterotrophic point of view se agar hum baat kare to nutrition ke. Thank you.